वेरी गुड इवनिंग। ये फेज की वीडियो सीरीज में ये दूसरा लेक्चर है। कैलिप्रियन इक्वेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कैलिप्रियन इक्वेशन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन होती है जब हमें समझना होता है कि सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन कैसे होता है, किस तरीके से चेंज होता है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए कैलिप्रियन इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत ईजी से टॉपिक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कैलिप्रियन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशन को मैं आपके साथ बता रहा हूँ। पहली चीज़, कैलिप्रियन इक्वेशन को समझने के लिए आपके पास सेम सब्सटेंस होना चाहिए। सेम क्या होना चाहिए? सब्सटेंस होना चाहिए। और फेज क्या होना चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है भाई, जैसे आपके पास H2O है, एक वाटर में है और एक इसमें है, आइस में है। सब्सटेंस तो एक ही है, वाटर एक ही है, लेकिन फेज क्या है? दोनों अलग अलग हैं। तो इसको इस तरीके से समझेंगे। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, कोई उसकी दो फेज हैं, ए और बी दो फेज हैं, और वो ए और बी दोनों किस पे है? इक्विलिब्रियम में है, अंडर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ए और बी इक्विलिब्रियम पे है टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में। ए से आपने क्या किया? आपने एक मोल को क्या किया? ट्रांसफर किया या एक्सचेंज किया, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने बी से एक मोल को ट्रांसफर किया। और लेट अस कंसीडर कि इस ट्रांसफर को कंसीडरेशन क्या है हमारा, कि आपका वन मोल क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है विदाउट अल्टरिंग या चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज किए हुए क्या हुआ है? एक मोल ट्रांसफर हुआ है। अब अगर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा टी इज इक्व टू जीरो, डेल्टा पी इज इक्व टू ऑल्सो जीरो, और डेल्टा अब देखिए चेंज नहीं हुआ है। अब एक और चीज, चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्व टू होता है आपके पास VdP माइनस SdT। ये है आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन से आता है। ये डेल्टा जी फ्री एनर्जी है, यहाँ पे वी वॉल्यूम है, एस क्या है? एंट्रोपी है, डेल्टा पी प्रेशर है, डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर है। डेल्टा जी क्या है? फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी। अब देखिए, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ था टेम्परेचर, तो डेल्टा टी इज इक्व टू जीरो, डेल्टा पी इज इक्व टू जीरो। जब डेल्टा बी और डेल्टा टी और डेल्टा पी जीरो है, तो डेल्टा जी अपकोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते, क्या करना चाहते हैं? लेट्स फ्री एनर्जी ऑफ ए की मैं फ्री एनर्जी निकालना चाहता हूँ, तो वो हो जाएगा डेल्टा जी ऑफ ए, वो हो जाएगा आपके पास क्या? वी ए डेल्टा पी माइनस एस ए डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। और इसी तरीके से मैं बी की फ्री एनर्जी जब निकालूंगा, तो वो हो जाएगा मेरा किसके बराबर? वी बी डेल्टा पी माइनस एस बी ऑफ डेल्टा टी। ये इक्वेशन नंबर टू है। ये इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर टू है। लेट अस कंसीडर इक्वेशन वन। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन नंबर वन, तो क्या हो जाएगा मेरा? डेल्टा जी बी माइनस डेल्टा ऑफ जी ए दैट विल इक्व टू इसके बराबर होगा वी ए डेल्टा पी माइनस बी डेल्टा पी माइनस एस बी ऑफ डेल्टा टी। कुछ नहीं है, मैंने इक्वेशन नंबर टू को इस इक्वेशन नंबर वन से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और ये हो जाएगा मेरे पास क्या? वी ए डेल्टा पी माइनस वी एस ए डेल्टा टी, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए, डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए, इसको हम पहले ही कितना कह चुके हैं? जीरो है। तो ये जीरो बराबर कितना हो जाएगा? जीरो बराबर हो जाएगा वी बी डेल्टा पी माइनस एस बी ऑफ डेल्टा टी माइनस ऑफ वी ए डेल्टा पी माइनस एस ए ऑफ डेल्टा टी। अगर ये इक्वल टू जीरो है, तो इधर से हम एक चीज भी कह सकते हैं, वी बी डेल्टा पी माइनस एस बी ऑफ डेल्टा टी विल इक्वल टू वी ए ऑफ डेल्टा पी माइनस एस ए ऑफ डेल्टा टी, इसके बराबर होगा। अगर आप देखिए, डेल्टा पी के साथ क्या है? वी बी वाली टर्म है, वी ए के साथ भी डेल्टा पी वाली टर्म है। अगर मैं क्या करूँ, वी बी माइनस वी ए और डेल्टा पी को कांस्टेंट ले लूँ, डेल पी को कांस्टेंट ले लूँ, और इसको क्या कर दूँ? एस बी माइनस ऑफ एस ए और क्या कर दूँ? डेल्टा टी के बराबर कर दूँ, क्योंकि वो वैसे भी बराबर ही है।
तो मैं यहाँ से एक चीज कर सकता हूँ, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसको मैं डेल्टा एस बोल सकता हूँ, डेल्टा एस, और इसको डेल्टा वी कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ मैं। तो ये होती है मेरी कैलिप्रियन इक्वेशन। अब देखिए एक और चीज, ये जो मेरा डेल्टा एस होता है वो डेल्टा एस किसके बराबर होता है, डेल्टा एच बाई टी के बराबर होता है। अगर मैं डेल्टा एस की वैल्यू पुट करूँ तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी विल इक्वल टू योर डेल्टा एच बाई टी डेल्टा वी, इसके बराबर होगा। और यही इक्वेशन मेरी क्या कहलाती है, कैलिप्रियन इक्वेशन कहलाती है। चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। कैलिप्रियन इक्वेशन आपका एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है किसके बीच में, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम और एंट्रोपी के बीच में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से इसको ड्राइव करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देख लीजिए, और अगली बार मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ योर कैलिप्रियन इक्वेशन का मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ। तो पहला एप्लीकेशन है, लेट अस कंसीडर मैं H2O लिक्विड से H2O सॉलिड की तरफ मूव कर रहा हूँ। H2O सॉलिड मतलब आइस की तरफ मूव कर रहा हूँ, वाटर से आइस की तरफ मूव कर रहा हूँ। अब देखिए डेल्टा टी बाई डेल्टा पी, अगर मैं इस इक्वेशन को उल्टी कर दूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा एच, इसी के बराबर होगा। अब ये डेल्टा वी जो है आपका वो होगा वी ऑफ एल माइनस वी ऑफ एस, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड। तो मैं यहां से कह सकता हूँ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा टी इंटू वी एल माइनस वी एस डिवाइडेड बाई डेल्टा एच एफ, और ये होती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ये हम किसके लिए निकालते हैं, जब हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं। अब एक इसी तरीके से दूसरी जगह पे भी हम ड्राइव कर सकते हैं, निकाली जा सकती है इक्वेशन। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि अगर हम H2O लिक्विड से मूव कर रहे हैं H2O गैस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो डेल्टा टी बाई डेल्टा पी विल इक्वल टू टी इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा एच, और डेल्टा वी यहाँ पे डेल्टा वी जो होगा वो वी ऑफ वी माइनस वी ऑफ एल के बराबर होगा। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा पी डेल्टा टी बाई डेल्टा पी विल इक्वल टू टी इंटू वी 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 माइनस वी एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एच, ये कहलाता है आपका। ये सब ये है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट का डायग्राम। मेल्टिंग पॉइंट देखो इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे इसको टेम्परेचर होना था। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट आपका टेम्परेचर और प्रेशर के साथ कैसे बदलेगा, वो इस इक्वेशन से आएगा। बॉइलिंग पॉइंट आपका टेम्परेचर और प्रेशर के साथ कैसे बदलेगा, ये इस इक्वेशन से आएगा। तो दिस इक्वेशन इज सेड टू बी कैलिप्रियन इक्वेशन। थैंक यू।